I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the दोस्तों, हमने आपके एंटरटेनमेंट में आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमने पूनो का वीडियो बनाया है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, फंगिंगडम का वीडियो बनाया है सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, हाउस ऑफ प्ले का हमने वीडियो बनाया है। बट आज की जो लोकेशन है उसको सुनकर आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि आज की जो जगह है, मतलब गर्मियों में अगर आपको कहीं जाना है, क्योंकि जयपुर में भैया बहुत कड़ाके की जो गर्मी है, जो धूप है वो पड़ने लगी है। अभी भी देख लीजिए, मैं पूरा तौलिया वोलिया लेके साथ चला हूँ, आज आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ। आज मैं आ चुका हूँ जयपुर के एकमात्र वाटर पार्क पिंक पर्ल में। जी हाँ, बहुत ही शानदार वाटर पार्क है और अभी मैं आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। नमस्कार, सिजरकाल खमागणी। चलिए अब की बार क्या करना है, जो इंट्रो है पर आपको बोलना है। बोल रहे हैं ना आप? चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ। नमस्कार, सिजरकाल खमागणी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर के वाटर पार्क पिंक पर्ल के बारे में, और इसकी कितनी टिकट प्राइसेस रहती है, ये कहाँ पर है, टाइमिंग्स क्या क्या रहती है, कौन कौन सी स्लाइड्स इसके अंदर हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह सब के बारे में डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस की वीडियो आपको सिर्फ मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या हमको अंदर देखने को मिलेगा। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this. पिंपल आना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। जो जयपुर में भांकरोटा है, भांकरोटा में जो अजमेर बाईपास की रोड है, महापुरा मोड़, वहाँ पर जो पिंपल है वो स्थित है। अगर आप अंदर आते हैं तो आपको एक रूल, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं प्रॉपर्टी के, वो आपको बिल्कुल फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी इसके रूल्स वगैरह हैं वो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और बात करें अगर हम टिकट प्राइसेस की, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको टिकट विंडो मिलेगी। टिकट विंडो के पास एक बार आप आइए, मैं आपको प्राइस के बारे में पूरा आइडिया बता देता हूँ। जो अडल्ट की प्राइस है वो यहाँ पे 500 रुपये लिखी गई है, और जो किड्स है उसकी 350 रुपये प्राइस यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों अभी तो मैं अंदर आ चुका हूँ और अभी हम थोड़ा सा प्यास व्यास लग रही है तो थोड़ा सा पानी पियेंगे पहले, फिर हमारा जो वीडियो है वो पूरा कंटिन्यू करने वाला है। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। सायरन की आवाज़ आप सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि जब वहाँ पर एक जहाज के शेप में कुछ बनाया गया, यहाँ पर जो वेव्स है वो वगैरह चलती है। देखिए अनाउंसमेंट, ये देखिए अभी अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे वेव है वो जो सायरन बजा है वेपुल का एंजॉय करने के लिए। आप सभी वेपुल के अंदर पहुंचे, वेव पूल है यहाँ पर, और वेव पूल का आप देख सकते हैं कि वहाँ नहीं जाए। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये जो वेव पूल है, वेव पूल में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो वेव्स होती हैं जो समुद्र की जैसे, वो यहाँ पर आने वाली है। और देखिए यहाँ पर एक सायरन यहाँ पर बजा है, सायरन बजने के बाद जो भी पूल में उधर की साइड थे वो सब लोग इधर आ चुके हैं, और अभी ये स्टार्ट होने ही वाला है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसा क्या यहाँ पर जो वेव पूल है वो चलती है। पिंक पर्ल में जो वेव पूल है उसका भी क्रेज है, वो अलग ही रहता है। आपको मेरे पीछे इतने सारे मैं लोग दिखाने वाला हूँ, सारे जो लोग हैं, जो वेव पूल है उसका मजा जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं, क्योंकि पिंक पर्ल में वेव पूल का भी है, ये शिप के फॉर्म का कुछ बना रखा है। यहाँ पे जो समुद्र की जैसे जो लहरें हैं वो जनरेट की जाती है ताकि लोग जो है वेव्स का मजा ले सके। वेव पूल जो यहाँ से वेव जो जनरेट हो रही है, वेव जनरेट हो गई है, यहाँ पर इनको पीछे की तरफ धकेल रही है और वेव पीछे जा रही है, तो लोग बाग इसका मजा ले रहे हैं।
दोस्तों यदि आप जयपुर में पिंक पल आते हैं तो आप पूल की जो चौड़ाई देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा क्लीन पूल है, काफ़ी बड़ा है। और अभी ये पूल खाली इसलिए है क्योंकि जो सारे जो लोग हैं, जो वेव पूल हैं, अभी मैंने जो आपको बताया वहाँ पर जा चुके हैं। अभी आप मेरे पीछे देखिए स्लाइड देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन तरह की स्लाइड दिख जाएगी, एक रेड वाली है, एक येल्लो वाली है, ग्रीन वाली है, तीनों अलग अलग टाइप की हैं। और अभी हम अंदर चल के भी आपको बताने वाले हैं कि क्या जो मतलब स्लाइड्स हैं, कौन कौन सी स्लाइड्स अंदर रहती हैं और कैसे इनको राइड की जाती हैं। तो गाइज ये जो इसका कैंटीन कैफेटेरिया है वो यहाँ पर ये इनके अंदर ही कैफेटेरिया है। जब भी आप आते हैं तो आप खाने का मज़ा भी ले सकते हैं। जो मेन्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आइटम यहाँ पर जो इनको इनके पास जो है अवेलेबल हो जाएगा। आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं ताकि आप अंदर आएँ तो आपको 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको पूरी जो भी आपकी क्वेरीज है वो इस वीडियो के माध्यम से आपकी सॉल्व होने वाली है। आपसे मुझे एक शिकायत है, पूछो क्या? आप यार इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, आप वीडियो को शेयर करते, मतलब आपका भाई इतना मेहनत करके आपके लिए एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट, ओनली जयपुर के लिए जो कंटेंट है वो मैं बनाता रहता हूँ। तो आपका काम है यार इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, MISTER_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि जो अगली वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो क्या जरूर शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है इतनी धूप में भैया खड़ा रहकर बनाता रहता हूँ ताकि आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिले। अभी पारा जो लगभग है 38-40 डिग्री सेल्सियस जो जयपुर में अभी का पारा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बस प्यार दीजिएगा थोड़ा सा। और मुझे पता है क्या, आप प्यार भरपूर देने वाले हैं और देते भी हैं। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be. तो गाइस अभी हम जो है जो वाटर स्लाइड है उस पे अंदर जाने का जो रास्ता है ये यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और ऊपर जाके जो मतलब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आएंगी वो आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। तो ये अंदर जाने का रास्ता है, अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमको मतलब कि जो तीनों वाटर स्लाइड है, ऑक्टोपस राइड यहाँ पर है, वो हमको क्या क्या देखने को अंदर मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए भी खास जो इंतजाम है, बच्चों के लिए भी जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आप मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई अगर फैमिली से भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको आइडिया हो जाए कि अगर बच्चे भी यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए क्या क्या, जैसे कुकू ट्रेन भी सामने है और जो थंडर कोस्टर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि ये देखिए आप जैसे स्लाइड के ऊपर जाने लगते हैं सीढ़ियों में, तो जाते साथ आपको मिलता है वे टू स्लाइड्स और इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखेंगे जो नाइलॉन के कॉस्ट्यूम से जो पिंक पल ही आपको प्रोवाइड करवाता है वो आपको यहाँ पर वियर करने होते हैं, तभी आपकी इसके अंदर एंट्री होती है। और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी स्लाइड्स यहाँ पर हैं और कितना लोग जो हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर और अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो जो अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए ये भाई अभी जो है, ये कौन सी स्लाइड है अंकल जी? फ्लूमा स्लाइड है, इसमें दो जनों के बैठने की जगह होती है। तो अभी देखिए आगे भाई बैठ चुके हैं और अभी एक और जब जना आएगा तो ये यहाँ से धक्का देंगे और नीचे ही चल जाएगी। फ्लूमा स्लाइड के नाम से जानी जाती है। देखिए ये देखिए अंकल हैं यहाँ पे, ये स्लाइड्स जो है इनको हैंडल करते हैं, लोगों को यहाँ पे सेफली तरीके से नीचे भेजते हैं। आपका नाम सर? भैरू राम जी। तो भैरू राम जी ये वाली कौन सी स्लाइड्स हैं? फ्लूमा स्लाइड है। और एक बार हमें और थोड़ी स्लाइड के बारे में हम बताएंगे। और भैरू राम जी ये कौन सी वाली स्लाइड्स हैं? जीप डीप स्लाइड्स है। और सबसे जो मतलब जिसे लोगों को डर लगता है वो कौन सी स्लाइड है? लाल वाली है। वो रेड वाली जो स्लाइड है वो उनसे लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद दोनों जंप है वो वाली, दो जंप है रेड वाली के अंदर। अच्छा, और इसमें ये नॉर्मल येलो वाली नॉर्मल है और ये ग्रीन वाली ये फास्ट है। तो सबसे ज़्यादा लोग कौन सी स्लाइड को ट्राई करते हैं? रेड वाली को। तो दोस्तों देखिए रेड वाली जो स्लाइड है, अभी मैं थोड़ी देर बाद जब मेरा कॉस्ट्यूम में जो मैं चेंज करके आऊँगा तब मैं भी एक बार रेड वाली ट्राई करके देखता हूँ। देखा ये अंकल, आपका नाम सर? आपका नाम किशन जी। और भैरू जी ने जो बताया है एक बार वो सच है कि नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये रोज का इनका काम है, बल्कि सही बोल रहे होंगे, तो एक बार मैं जब आऊँगा तो मैं ट्राई जरूर करूँगा। चलिए एक बार अंकल हमें उधर बुला रहे हैं, एक बार देखते हैं कि हमें क्या स्पेशल देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो एक बार मैं देखता हूँ कि कहाँ से आ जाऊँ मैं। तो दोस्तों देखिए अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, मेरे को डर तो लग रहा है, बट ये देखिए। हाँ बताइए।
अधिकतर जो लड़कियाँ होती है जी 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 अधिकतर वो पीली में अधिकतर उनको फर्स्ट टाइम पीली में भेजा करते हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम जब वो एक दफे चली जाती है ना तो उनको दोबारा आने को उनको मौका मिल जाता है। अच्छा अच्छा डायरेक्ट हम रेड में भेजे ना तो दोबारा नहीं आ पाए। अच्छा तो अंकल ये बता रहे हैं कि जो भी जो गर्ल्स आती हैं पहले उनको इसमें इस स्लाइड में भेजा जाता है ताकि वो धीरे धीरे नीचे पहुंचती हैं, और अगर पहली बार ही अगर रेड वाली स्लाइड आप ट्राई कर लेंगे या मतलब कोई फीमेल कैटेगरी ट्राई कर लेंगे तो वो थोड़ा सा डर मन में बैठ जाता है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें दो ही जंप यहाँ पर है, एक और दो, बल्कि इसमें थोड़े से ज़्यादा जंप है आप देख भी सकते हैं, और ये बिल्कुल फास्ट स्पीड वाली है। तो इसमें कितने मीटर आगे जाके गिरता है? यहाँ से तीसरी लाइन देख लो। अच्छा तीसरी, अच्छा ये जो पूल में जो लाइन्स हैं वो तीसरी सही बना हुआ होता है जी जी, तीसरी लाइन तक चल जाता है बैलेंस अगर सही बना। अच्छा बैलेंस सही बना रहता है तो तीसरी लाइन तक भी चल जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पूल में लाइन बनी हुई है उसके आगे तक भी जा सकता है अगर बैलेंस सही बना। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी जी। आप क्या बता रहे थे कि ये वाली कौन सी राइड है? ये साइक्लोन है। साइक्लोन राइड है वहाँ जाके। अच्छा ये जो मटका सा बना हुआ है इसमें इसमें गिर जाते हैं। नीचे 5 फीट पानी है। अच्छा ये बच्चे यूज नहीं करते बड़ों के लिए। अच्छा सिर्फ अडल्ट्स के लिए ये जो साइक्लोन राइड है वो अडल्ट्स के लिए है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें जो जो जैसे नीचे जाके घूम घूम नहीं जाते हैं, फिर जो मटका सा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये मटका सा है इसमें जाके कहीं पे वो नीचे जाके वापस घूमते हैं, वापस पानी आ जाता है। अच्छा पानी में वापस गिर जाते हैं। ओके और वो बच्चों के लिए दे रखी है वो लास्ट वाली बच्चे इनको नहीं कर पाते। अच्छा बच्चे इनको नहीं कर पाते तो बच्चों के लिए अलग से स्लाइड वहाँ पे बना रखी है। अच्छा थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो दोस्तों अभी मैं जो आपको साइक्लोन राइड बता रहा था, देखिए ये साइक्लोन राइड है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे साइक्लोन जो साइक्लोन बाउल है वो ये वाली राइड है, क्योंकि इसमें मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। देखिए यहाँ से आप घूमते घूमते जाएंगे और वहाँ पे जो है उसमें आप नीचे गिरेंगे और वहाँ पे पानी आएगा और पानी से डायरेक्ट आप स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। और अभी हम आगे वाली राइड भी देखते हैं कि ये कौन सी राइड है। सर ये वाली कौन सी राइड है? ऑक्टोपस राइड है। तो बच्चों के लिए है ये? बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है। तो एक बार हम थोड़ा सा अंदर चल के दिखाने वाले हैं कि ऑक्टोपस राइड कैसी होती है। ये देखिए ये ऑक्टोपस राइड है, ये काफ़ी थोड़ी सी जो है ये थोड़ी सी ब्रॉड है, और ये देखिए यहाँ से सीधी नीचे जाएगी और देखिए पूरा पिंपल का नज़ारा यहाँ से बिल्कुल शानदार तरीके से दिखता है। बिल्कुल पोजीशन के साथ इनको बैठाया जाता है, इनको सुलाया जाता है, तब जाके इनको जो पुश किया जाता है। बिल्कुल देखिए पोजीशन देख लीजिए आप, और अब इनको यहाँ से पुश किया जाएगा। ये देखिए I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर फैमिली के साथ भी आते हैं तो आपको फैमिली के साथ भी आने के लिए मतलब कि अगर मतलब आपको जैसे कि एक पूल आप मेरे पीछे दिखा दीजिए, एक पूल तो ये है जो जनरल पूल है जिसमें बच्चे अलाउ नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए और फैमिली के लिए अलग से जो पिंपल जो है उन्होंने अलग से पूल डिज़ाइन किया, मेरे मल्टीप्ले पूल ओनली फॉर फैमिली के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play. So अभी जो जयपुर में है पारा काफी बढ़ चुका है, काफी गर्मी हो रही है आज, तो भैया बहुत ज्यादा पसीने वगैरह आ रहे हैं वीडियो शूट करने टाइम, मतलब कि 3 से 4 बार पसीना पहुंचना पड़ रहा है हर 2-3 मिनट में। बट कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूं, तो मैं ये होप करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि भैया जयपुर के बारे में ऐसी जगह की जो वीडियोस होती है, जो डिटेल्स वीडियो होती है, वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। हम टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग जो पिंपल का रहता है वो रहता है लगभग 10:30 से स्टार्ट हो जाता है, और 5 से 6 बजे तक जो इनकी टाइमिंग रहती है, मतलब 6 बजे तो आते ये क्लोज करने लगते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको मतलब जब यहाँ आते हैं तो एक बार कन्फर्मेशन यहाँ ले लीजिएगा कि कितना टाइमिंग रहता है, बट मेरे को जो इन जनरल जो टाइम पता था वो मैंने आपको बताया, ताकि आपको मतलब आपको मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आने के पहले। तो आप देख सकते हैं ये स्पाइडरमैन, एक बार दिखा दीजिए कितना बड़ा स्पाइडरमैन यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा आप आइए।
और देखिए यहाँ पर जो बच्चों के लिए है और प्रॉपर स्लाइड वगैरह बच्चों के लिए बड़ों के लिए, यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर जो पिंकपल के द्वारा जो डिज़ाइन की गई है और लोग बाग काफ़ी एंजॉय यहाँ पर करते हैं। आज होली का त्यौहार है तो सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से भैया होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए कितना बड़ा सारा जोकर वहाँ पे लग रहा है और ये पानी, मतलब यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ पूरा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यदि आपकी छुट्टी है, हॉलीडे में आ रहे हैं, जयपुर से बाहर भी बाहर से भी आ रहे हैं, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भी आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, टीम है पिंकपल की, उनसे मैंने पहले कोऑर्डिनेट किया, जो जितने भी जानकारी मैं दे रहा हूँ उन्हीं के थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard. दोस्तों अभी जो यहाँ पे ये लेजी रिवर के नाम से जो पूल स्लाइड इन्होंने बना रखी है, ये क्या करता है कि मतलब ये पूरा गोलाई खा के मतलब एक राउंड में आप वापस आके यहाँ पे आ जाते हैं और बीच में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। अभी किसी ये मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ये बंद कर रखा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इधर होके बता देता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या है चीज़ है। ये देखिए ड्रैगन शेप है, इसके पेट के अंदर जाके मतलब कि इसके पेट के अंदर गुफा बना रखी है, ये गुफा दूसरी तरफ निकलती है, काफ़ी मज़ा आता है। मैं 2 से 3 बार राइड कर चुका हूँ, जो मैं पिछली बार यहाँ पर आया था आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा रास्ता पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ से घूम के वापस यहाँ पर आ जाता है, तो काफ़ी एक डिफरेंट जो वाटर जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर है। और देखिए ड्रैगन के रूप में है, पेट के अंदर गुफा है, तो इसका भी आप मज़ा ज़रूर लीजिएगा। पहली बार आया था तो ये जो बाल्टियाँ हैं इसमें पानी भरता रहता है और अपने आप ये जो नीचे गिरती है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, ये भी इस वाटर एक्टिविटी के साथ लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Guys, यहाँ पर जो रेन डांस है वो भी काफी जयपुर में पिंकपल में काफी फेमस है, और यहाँ पर अलग जो सेक्शन है वो रेन डांस का बनाया गया, देख रहे हैं। They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder and fuck. तो गाइज यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको चेंज रूम का मतलब कि अलग से कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है। ये बॉयज़ चेंज रूम है जिसके अंदर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, और ये लेडीज़ चेंज रूम है इसके अंदर भी वॉशरूम वगैरह चेंज रूम वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं। लॉकर आपको अंदर ही मिल जाते हैं, और जो लॉकर वगैरह का चार्ज है, जो भी चार्ज है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सारी A to Z हमने जो चीज़ें बताई है पिंकपल के बारे में वो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना यहाँ पर चाहिए। तो दोस्तों ये जो एरिया है, जो लॉकर एरिया है, देख सकते हैं आप, इतने सारे लॉकर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। और ये चेंजिंग रूम है, वॉशरूम वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वॉशरूम्स हैं, और ये यहाँ पर ऐसा जो सिस्टम है अंदर है, तो यदि आप कभी भी आते हैं तो एक बार मैं आपको आइडिया देती हूँ। यहाँ से आपको कॉस्ट्यूम जो मिलता है और लॉकर की भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी में जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा बर्न होती है, तो अभी हमारा खाना आने वाला है। खाना खा के मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाने का टेस्ट भी कैसा है। तो दोस्तों अभी हमारा खाना आ चुका है, और खाना हम खाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि खाने में देखिए पनीर की सब्ज़ी मिक्स वेज है, और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि कैसा खाना रहता है। तो दोस्तों तुम्हारे भाई के हाथ में देखो VIP बैंड बन रखा है, और इस बैंड से मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ एंट्री ले सकता हूँ। और ओ माय गॉड, गोरी गोरी टांगे दिख रही है तुमको। तो देखो ये देखिए आप, मतलब ये हमारा VIP पास है, ये हमको मिला है, इसमें हमको कहीं पे भी किसी भी राइड पे एक्सेस है, लंच डिनर सब कुछ इसमें हमारा इंक्लूड है। दोस्तों जब भी आप पिंकपल में जो कैंटीन एरिया में आए तो महेंद्र जी से ज़रूर मिलिए, काफ़ी बढ़िया इंसान है, काफ़ी अच्छी सर्विस ये करते हैं, और काफ़ी बढ़िया इन्होंने खाना हमें खिलाया है। तो महेंद्र जी एक बार स्माइल कर दीजिए, ठीक है सर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद ऑब्वियसली बात है, आज की यार वीडियो पसंद नहीं आई तो आपने क्या किया, लाइक नहीं किया तो क्या किया, शेयर नहीं किया तो भैया आप भूल ही जाइए कि जयपुर में ऐसा कंटेंट आपको और कोई भी प्रोवाइड करवा सकता है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के ठोक के पीट के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में हमेशा कहता हूँ अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट और डिटेल्ड कॉन्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ
मेरे चैनल मतलब कि मिस्टर जयपुर पे मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी कर लीजिए फॉलो, MISTER_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर मैं जो वीडियो की रॉ अपडेट्स हैं वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।